हेलो फ्रेंड्स, मैं सुधीर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल स्कोर मैक्स पे। और आज हम बात करेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट, जो कि आपकी यूनिट 3 है IBO 1 का। तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि बैलेंस ऑफ पेमेंट होता क्या है। बैलेंस ऑफ पेमेंट मे बी डिफाइंड एज द अकाउंटिंग स्टेटमेंट डेट समराइज ऑल द इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन बिटवीन द रेजिडेंस ऑफ अ होम कंट्री एंड द रेजिडेंस ऑफ ऑल अदर कंट्रीज। इसका मतलब ये है कि एक साल के अंदर एक देश का निवासी दुनिया में किसी भी देश के निवासी के साथ ट्रांजैक्शन करता है, बिजनेस करता है, या कोई भी ऐसा काम करता है जिसे हम इकोनॉमिक टर्म्स में मेज़र कर सकते हैं, वो होता है हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट। इसके अंदर हमारा एक्सपोर्ट, इम्पोर्ट, कोई हम गिफ्ट किसी को देते हैं कंट्रीज़ को, वो आता है। किसी कंट्री को हम कोई आप जैसे किसी कंट्री में भूकंप आ गया तो हम कुछ सहायता राशि देते हैं, या किसी दूसरी कंट्री से हमारे पास एज अ गिफ्ट कुछ आता है। तो मतलब कोई भी ऐसी ट्रांजेक्शन एक साल के अंदर जो एक कंट्री दूसरी कंट्रीज़ के साथ करती है जिसे इकोनॉमिक टर्म्स में मेज़र किया जा सके, वो होता है हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड दोनों मिलते जुलते हैं, तो उसमें क्या डिफरेंस है मैं आपको थोड़ा बता दूँ कि बैलेंस ऑफ ट्रेड के अंदर क्या होता है, सिर्फ हम एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट को मेज़र करते हैं। मतलब बैलेंस ऑफ ट्रेड के अंदर सिर्फ एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट को ऐड किया जाता है, लेकिन बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर एक्सपोर्ट, इम्पोर्ट, या हमारे गिफ्ट्स हो गए, या हम ऐड दे रहे हैं, या हेल्प के लिए किसी को हम दे रहे हैं, मतलब कोई भी ट्रांजेक्शन जो इकोनॉमी से रिलेटेड होती है उसमें हर ट्रांजेक्शन आ जाती है। चलते हैं आगे। अब प्रिंसिपल एंड कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क कि मतलब इसमें क्या क्या आता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट में किस तरह काम करता है। तो नॉर्मली हम इसमें पांच चीज़ों को रिकॉर्ड करते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर। जैसा आप देख सकते हैं, पहला हमारे पास है परचेज एंड सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अगेंस्ट फाइनेंशियल आइटम्स। कह रहा है कि हम किसी गुड्स को सेल करें या ख़रीदें तो किसके अगेंस्ट, फाइनेंशियल आइटम। इसे हम कह सकते हैं कि जो हमारी हमने पिछले टॉपिक में बात करी थी एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट से क्या होता है, हमें हमारे पास वेल्थ आती है, दूसरी फॉरेन करेंसीज मिलती है, जिसमें वही चीज़ कह रखी है कि परचेज एंड सेल्स ऑफ गुड्स हम खरीदें या बेचें, एक्सपोर्ट करें या इम्पोर्ट करें, और उसकी जब हम पेमेंट करेंगे तो कैश करेंगे, वो सब चीज़ इसमें आती हैं। दूसरा होता है आपका बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम में क्या होता है कि दो कंट्रीज़ एक म्यूचुअल एग्रीमेंट कर लेती हैं, से ए कंट्री के पास गेहूँ है, बी कंट्री के पास चावल है, तो ए कंट्री बी को चावल देगी और बी कंट्री ए को गेहूं देगी। इस तरह एक्सचेंज कर लेते हैं अपने प्रोडक्ट्स को एक दूसरी कंट्रीज़ के साथ, इसे हम रिकॉर्ड करते हैं। तीसरा आता है इंटरचेंज ऑफ फाइनेंशियल आइटम्स अगेंस्ट अदर फाइनेंशियल आइटम्स। अब एग्जांपल इसमें दे रखा है सेल ऑफ सिक्योरिटीज़ फॉर मनी और द रीपेमेंट ऑफ कॉमर्शियल डेब्ट्स इन मनी। अब हमने किसी कंट्रीज़ के साथ कह सकते हैं हमने इम्पोर्ट करा उसका गुड्स, हमने इम्पोर्ट्स करा अपनी कंट्रीज़ में उसके गुड्स को, लेकिन हमारे पास टाइम कैश नहीं है, तो हम कैश के बदले क्या करेंगे, कमर्शियल डेब्ट्स उसे दे देंगे। तो मतलब जब हम पैसे की बजाय उसे कोई गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट दे सकते हैं जिसे वो बाद में कैश में कन्वर्ट करा सकता है, या जिसे हम कहते हैं फाइनेंशियल आइटम्स। चौथा हमारा आता है प्रोविज़न और एक्विजिशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विदाउट रिक्विटल। एग्जाम्पल दे रखा है कि ग्रांट्स इन एड, मतलब हम या तो गुड्स को और सर्विसेज को एक्सपोर्ट करें या इंपोर्ट करें, लेकिन उसमें हम कहते हैं ना कि विदाउट कॉस्ट किसी चीज़ को हम करें, तो वो इसमें इंक्लूड होती हैं। जैसे दे रखा है कि ग्रांट्स इन एड, किसी देश को किसी आपदा आ गई है वहाँ पर हम सहायता राशि देते हैं, तो ये तो नहीं होता कि हम तुम्हें इतने रुपये दे रहे हैं तुम इसके बदले हमें ये दो, हम एज अ फ्री देते हैं उन्हें कि हाँ आपका इतना लॉस हुआ है, हम आपको इस प्रॉब्लम से बाहर निकलने में हेल्प कर रहे हैं, इसमें वो आता है। लास्ट पॉइंट हमारा प्रोविज़न और एक्विजिशन ऑफ फाइनेंशियल आइटम्स विदाउट रिक्विटल, एग्जांपल पेमेंट ऑफ टैक्सेस एंड गिफ्ट रिसीव। इसमें आता है कि जब हम फाइनेंशियल आइटम्स को दें या लें विदाउट मोनेटरी टर्म्स, मतलब रिक्विटल, मतलब किसी बिना कीमत के हम किसी को कुछ देते हैं या लेते हैं, इसमें क्या होता है अगर हम टैक्स भर रहे हैं किसी का, तो ये तो नहीं है कि हमने टैक्स भरा अब वो हमें कुछ देगा, कि हमारी ड्यूटी है टैक्स भरना क्योंकि हमने उसके रिसोर्स को यूज़ करा है पहले। या फिर गिफ्ट्स आ जाते हैं इसके अंदर कि हमने कोई हमारा फॉरेन में फ्रेंड्स रहता है या हम उसे कोई गिफ्ट
भेजें या वो हमें भेजे, तो ये तो नहीं होता कि अगर मैं उसे कुछ भेज रहा हूँ तो वो भी मुझे दे, या वो मुझे भेजता है तो मैं भी उसे दूँ। तो मतलब गिफ्ट आता है, ये टोटल 5 पॉइंट है जिसे हम बैलेंस ऑफ पेमेंट में रिकॉर्ड करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पे। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंटिंग मतलब ये किस तरह होती है अकाउंटिंग, किस चीज़ को हम डेबिट करते हैं, किस चीज़ को क्रेडिट करते हैं, या बनता किस तरह है बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो सबसे पहले बैलेंस ऑफ पेमेंट इज़ अ स्टैंडर्ड डबल एंट्री सिस्टम, मतलब हर चीज़ की यहाँ पर दो एंट्री होती है, एक डेबिट और एक क्रेडिट। अब इसका हम देखते हैं कि अकाउंटिंग रूल्स ऑफ यूपी, इसके रूल्स क्या हैं, किस चीज़ को हम डेबिट करते हैं, किस चीज़ को हम क्रेडिट करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है रिसीव पेमेंट्स फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड टू द कंट्री शुड बी रिकॉर्डेड एज क्रेडिट। अब हमने किसी दूसरी कंट्री को अपने गुड्स भेजे तो वो हमें पेमेंट करेगा, पेमेंट करेगा तो क्या होगा, हमारे पास कैश आएगा, फॉरेन करेंसीज आएगी, हमारे पास अब पैसा आया तो हम क्या करते हैं, क्रेडिट करेंगे अपने बैलेंस ऑफ पेमेंट को। दूसरा पॉइंट है पेमेंट्स फ्रॉम द कंट्री टू द रियल ऑफ द वर्ल्ड शुड बी रिकॉर्डेड एज डेबिट। अब अगर हम किसी दूसरी कंट्री से कुछ सामान इंपोर्ट करते हैं, कुछ गुड्स दूसरी कंट्री से हम अपने कंट्री में मंगाते हैं, तो उसके बदले हमें क्या करना पड़ेगा, उन्हें कैश देना पड़ेगा, उन्हें अपनी करेंसी देनी पड़ेगी, हमारी कह सकते हैं हमारे देश का हमें पैसा देना पड़ेगा उसके लिए। तो जब हमारे पास पैसा जाता है तो हम क्या करते हैं, डेबिट करेंगे। और हमारा लास्ट क्या है, अ ट्रांजेक्शन विच रिजल्ट इन एन इंक्रीज इन डिमांड फॉर फॉरन एक्सचेंज इज ऑल्सो बी रिकॉर्डेड एज डेबिट एंट्री। अब ऐसी कोई भी डिमांड या ऐसी कोई ट्रांजेक्शन जिससे फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड बढ़ जाए, फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड कब बढ़ेगी, जब आप, क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज का यूज़ क्या होता है, उसका यूज़ हम दूसरी कंट्री में या तो हम घूमने गए हैं, हमें वहाँ की करेंसी चाहिए तो हम फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड करते हैं, फॉरेन करेंसीज की डिमांड करते हैं, हमें वहाँ से कोई गुड्स मंगाना है तो हम उसकी पेमेंट के लिए उसकी डिमांड करते हैं। तो मतलब एक तरह से हमारा पैसा जो हमारी जो करेंसी है उसे हम दूसरी कंट्री में भेजेंगे कुछ ना कुछ करके, या वहाँ एक्सपेंस करेंगे, वहाँ उसे खर्च करेंगे, तो जब हमारे पास पैसा जाएगा तो डेबिट एंट्री होगी। इसी तरह जब फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई बढ़ जाए, इन ट्रांजेक्शन विच रिजल्ट इन अ इंक्रीज इन द सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, अगर हमारे पास अब फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई बहुत ज़्यादा आ जाए, मतलब हमारे जो रिजर्व होता है फॉरेन एक्सचेंज का, उसमें पहले कोई आप लगा सकते हैं हमारे पास 10 रुपये थे और उसमें 12 रुपये हो जाए, ज़्यादा हुए ना हमारे एक्सचेंज रिजर्व के अंदर, तो उसका क्या होगा इफेक्ट, क्रेडिट एंट्री होती है। जब हमारे पास कुछ बढ़ता है तो क्रेडिट होती है, जब कुछ जाता है तो डेबिट होती है। अब हमारे पास है कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में किस किस पार्ट्स में से बनाया जाता है, तो सबसे पहला पार्ट होता है हमारा करंट अकाउंट, दूसरा होता है हमारा कैपिटल अकाउंट, और तीसरा होता है हमारा रिजर्व अकाउंट। तो आप देख सकते हैं करंट अकाउंट के अंदर हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, इसे मर्केंडाइज, नॉन मैनेटरी मोनेटरी गोल्ड मूवमेंट्स, और तीसरा इनविजिबल्स। अब हम जितना भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट गुड्स का करते हैं, या इसे ये कह सकते हैं हम कि जो विजिबल दिखता है हमें ट्रेड, वो हम सारा मर्केंडाइज में करते हैं, और यहाँ पर हम कैश को एज अ अपनी करेंसी को यूज़ करते हैं पेमेंट के लिए। दूसरा होता है नॉन मोनेटरी गोल्ड मूवमेंट्स, इसमें हम ट्रांजेक्शन तो कर रहे हैं, ट्रेड तो कर रहे हैं, लेकिन पेमेंट्स के लिए हम गोल्ड को एज ए पेमेंट मीडियम यूज़ करते हैं। और तीसरे में आता है हमारा इनविजिबल्स, इनविजिबल्स मतलब हम सर्विस कह सकते हैं, इसमें आप ट्रांसपोर्ट हो सकता है, या आपका एयरलाइंस हो सकता है, या आपका पोस्टल सर्विसेज हो सकती है, तो ये सब जो चीज़ नहीं दिखाई जाती, देख नहीं सकते, लेकिन हम सर्विस तो दे रहे, जैसे टेलीकॉम है आपका, तो ये सब इसके अंदर आता है तीसरा पॉइंट। मर्केंडाइज में सिर्फ गुड्स आते हैं आपके एक्सपोर्ट इंपोर्ट्स के, नॉन मोनेटरी में आपके एक्सपोर्ट इंपोर्ट्स आते हैं, लेकिन इसके अंदर हम कैश की बजाय गोल्ड को एज अ पेमेंट मीडियम यूज़ करते हैं। और तीसरे में है आपका इनविजिबल्स, जिसमें हम सर्विसेज को ऐड करते हैं सारा। अब दूसरा टॉप पॉइंट हमारा कैपिटल अकाउंट। अब कैपिटल अकाउंट क्या होता है, जैसे आप नाम से देखते हैं कैपिटल अकाउंट, पूंजी। अब इसमें 3 पार्ट्स होता है, एक प्राइवेट, दूसरा बैंकिंग, तीसरा ऑफिशियल। अब प्राइवेट है, कोई बिजनेसमैन है या कोई इंडिविजुअल है, कुछ भी है, वो अगर किसी दूसरी कंट्री के साथ ट्रांजेक्शन करता है या अपना एक्सपोर्ट इंपोर्ट करता है, तो वो सारी चीज़ें प्राइवेट में आती हैं, मतलब
गवर्नमेंट की परमिशन के बिना जैसे आज के टाइम में काफ़ी बिजनेसमैन हैं जो इंडिया को छोड़कर इंटरनेशनल लेवल पे जाते हैं, तो हर कंट्रीज़ में करते हैं, तो उसका वो होता है। और दूसरा हमारे पास बैंकिंग। बैंकिंग आप सभी जानते हैं कि कई बैंक्स हमारे पास जिनकी ओवरऑल वर्ल्ड ब्रांचेस भी हैं, जैसे हमारा बैंक ऑफ बड़ौदा है, तो इसकी ओवरऑल वर्ल्ड ब्रांचेस हैं, तो इस कंट्री से दूसरी कंट्रीज़ में हम इसके थ्रू पैसे भेजते भी हैं और पैसे आते भी हैं, तो इसे भी हम कैपिटल अकाउंट में यूज़ करते हैं। और तीसरा है हमारा ऑफिशियल ट्रांजेक्शन डेट आर अफेक्टिंग असेट्स एंड लाइबिलिटी हेल्ड बाई गवर्नमेंट। इसमें वो चीज़ होती है या वो ट्रांजेक्शन होती है जो गवर्नमेंट की तरफ से करी जाती हैं, या वो ट्रांजेक्शन्स गवर्नमेंट करती है जिसका गवर्नमेंट असेट्स और लाइबिलिटी पे इफेक्ट पड़ता है। एग्जाम्पल पे हम लोन से ले सकते हैं, जब कंट्री किसी दूसरी कंट्री से लोन लेती है तो वो किस में आता है? हमारा कैपिटल अकाउंट। वैसे तो आजकल हमारी कंट्री लोन ले नहीं रही बल्कि दे रही है लोन, तो इस टाइम हमारी जो कह सकते हैं ये चीज़ बहुत कम देखी जा रही है। और तीसरा आता है हमारा रिज़र्व अकाउंट। रिज़र्व अकाउंट होता क्या है? ये करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट के डिफरेंस पे ही चलता है। अब अगर हमारे पास करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट को टोटल करने के बाद अगर हम देखते हैं कि हमारा इम्पोर्ट ज़्यादा हो रहा है, मतलब हम बाहर देश से अपने देश में ज़्यादा गुड्स की डिमांड कर रहे हैं या ज़्यादा उनके गुड्स को ले रहे हैं, तो मतलब हमें पैसा देना पड़ेगा। जब हमें देना पड़ता है तो मतलब क्या हुआ? हमारे पास पैसे की कमी होगी। अगर ऐसी कंडीशन होती है तो रिज़र्व अकाउंट प्लस होता है। लेकिन अगर हम दूसरी कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट कर रहे हैं और हमारा एक्सपोर्ट ज़्यादा है इम्पोर्ट के कंपैरिजन, तो जितना ज़्यादा होगा वो हमारा प्लस दिखाएगा आपको रिज़र्व अकाउंट में। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब डेफिसिट एंड सरप्लस ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब जैसा मैंने अभी पीछे आपको बताया था कि हमारा एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा या कम होगा, तो उसको कुछ हम टर्म्स में बात कर लेते हैं कि व्हेन एक्सपोर्ट इज़ मोर कंपेयर टू इम्पोर्ट देन इट शो पॉजिटिव बैलेंस और सरप्लस बैलेंस। अब हम अगर किसी कंट्री का एक्सपोर्ट ज़्यादा करें, मतलब हम किसी दूसरी कंट्री से अपने प्रोडक्ट को ज़्यादा बेचें कंपैरिजन टू अदर कंट्रीज़ के प्रोडक्ट को परचेज़ करने के, तो ऐसे में क्या होगा? जब हमारा प्रोडक्ट ज़्यादा बिकेगा दूसरी कंट्रीज़ में तो हमें ज़्यादा करेंसी मिलेगी, हमारे पास ज़्यादा पेमेंट आएगी, और हम जो पेमेंट करेंगे दूसरों को वो बहुत कम रहेगी, तो इसमें हमारा क्या आएगा? हमारे पास एक तरह से कह सकते हैं रिज़र्व बचेगा, पैसे आएंगे, क्योंकि जैसे हमने किसी दूसरी कंट्री से 100 रुपये का सामान खरीदा और हमने उसे बेचा कितने का? 200 रुपये का। तो अब हमने जब बेचा तो उसने हमें 200 रुपये दिए और हमने 100 का ख़रीदा था उससे, तो हम 200 में से 100 तो उसे दे देंगे, लेकिन हमारे पास बैलेंस क्या बचेगा? हमारे पास बैलेंस 100 रुपये का बचेगा, तो वही होता है हमारा सरप्लस बैलेंस या पॉजिटिव बैलेंस। दूसरा है कि व्हेन इम्पोर्ट इज़ मोर कंपेयर टू एक्सपोर्ट देन इट शो नेगेटिव बैलेंस और डेफिसिट बैलेंस। अब जब हम अगर किसी दूसरे कंट्री से इम्पोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं कंपेरिजन टू एक्सपोर्ट, तो हमारा बैलेंस नेगेटिव शो करेगा। जब हम हमारी कंट्री में कोई प्रोडक्शन ही नहीं करेंगे, दूसरी कंट्रीज़ में हमारा प्रोडक्ट बिकेगा नहीं, तो वहाँ से हमें फ़ौरन करेंसी नहीं मिलेगी, और जब हम प्रोडक्शन नहीं करेंगे तो हम ज़्यादा से ज़्यादा दूसरी कंट्रीज़ के प्रोडक्ट्स को, गुड्स को, सर्विसेज को अपनी कंट्री में इम्पोर्ट करेंगे, जिसके लिए हमें उन्हें क्या देना पड़ेगा? उन्हें हमें कैश देना पड़ेगा। और जब हमारे पास पैसा है ही नहीं और हमें देना पड़ रहा है, तो मतलब क्या कहेगा? हम नेगेटिव जाएंगे, हम तैसे घाटे में जाएंगे उस बैलेंस में, ये होता है हमारा डेफिसिट। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट डिस इक्विलिब्रियम, मतलब क्या होता है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट है कि किस स्थिति में वो तालमेल एक होता है कि आपका एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बराबर होना चाहिए, तभी आप दोनों चीज़ों को सही से कर सकते हैं, क्योंकि जितना पैसा आपके पास आएगा एक्सपोर्ट से इम्पोर्ट में आप उतना ही कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास एक रिसोर्स, एक करेंसी तो लिमिटेड है आपके पास फ़ौरन की, कि आप उससे उतना ही प्रोडक्ट खरीद सकते हैं जितना कि आपने बेचा है। लेकिन कई बार हम एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा कर देते हैं, मतलब एक्सपोर्ट हमने बहुत कर दिया लेकिन हम इम्पोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी एक अनबैलेंस बन जाता है कि हमारे पास पैसा तो बहुत आ गया, फ़ौरन रिज़र्व बहुत ज़्यादा हो गया, लेकिन उसका हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो ये भी प्रॉब्लम होती है। और दूसरी कंडीशन है कि आप दूसरी कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट नहीं तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनके प्रोडक्ट्स का इम्पोर्ट बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। अब आप इम्पोर्ट्स कर रहे हो, एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हो, तो आपको क्या नीड? आपको फ़ौरन करेंसी की नीड होती है या फ़ौरन एक्सचेंज की नीड होती है जब आप इम्पोर्ट करते हैं, और वो आता कहाँ से है? एक्सपोर्ट से। लेकिन जब आप एक्सपोर्ट ही नहीं करोगे तो इम्पोर्ट कहाँ से कर सकते हो? तो इन कंडीशंस में, या हम कहते हैं कि डिसबैलेंस हो जाती है हमारी इकनॉमी
इसी को कहते हैं हम डिस इक्विलिब्रियम। जैसे इसमें देख सकते हैं आप, व्हेन अ कंट्री इज नॉट एबल टू पे फॉर इट्स इम्पोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जब एक कंट्री अपने इम्पोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की पेमेंट ना कर सके अपनी एक्सपोर्ट की हुई अर्निंग से, तो उसी को हम क्या कहते हैं, डिस इक्विलिब्रियम। चलते हैं नेक्स्ट पे, फैक्टर इफेक्टिंग्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट जो होता है इसे इफेक्ट कौन कौन से पॉइंट करते हैं। अब करंट अकाउंट की बात करते हैं, करंट अकाउंट को कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं। पहला आता है हमारा इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन जैसे कह सकते हैं हम कि महंगाई दर बढ़ जाती है। अब इंडिया में महंगाई दर बढ़ेगी तो हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी वैल्यू बढ़ेगी, तो हमारी जो पब्लिक, जनरल पब्लिक क्या करेगी है, वो इंडियन गुड्स को छोड़कर फॉरेन गुड्स को अपनाएगी या उनका एक्सपोर्ट इम्पोर्ट ज़्यादा होगा हमारी कंट्री में, क्योंकि वो चीप होंगे वैल्यू में कंपैरिजन टू हमारे गुड्स। तो इस तरह किस तरह इफेक्ट करेगी, अब हमारा इम्पोर्ट बढ़ेगा और एक्सपोर्ट घटेगा, क्योंकि हमारे चीज़, हमारे प्रोडक्ट्स महंगे हो गए तो दूसरी कंट्रीज भी उसे एक्सपोर्ट नहीं करेगी। दूसरा आता है हमारा नेशनल इनकम। नेशनल इनकम, जब आपकी इनकम बढ़ती है तो आप, ऑब्वियसली बात है, आपकी जो ग्रोथ होती है, आपका जो खर्च करने का लेवल होता है या आपका एक्सपेंस होता है, एक्सपेंडिचर होता है, वो सब कुछ बढ़ता है। अगर आपके पास पैसा ही नहीं है तो आप एक्सपेंस क्या करोगे, आप क्या इंपोर्ट करोगे या आप क्या स्पेंड करोगे अपने ऊपर। अगर आपकी अच्छी खासी इनकम है, पर पर्सन की अच्छी खासी इनकम है, तो प्रोडक्ट्स की डिमांड भी ज़्यादा करेंगे और उनकी क्वालिटी के ऊपर पैसा फूकेंगे, मतलब फिर वो इंपोर्ट भी करेंगे। अगर इंडिया में कोई प्रोडक्ट मिल रहा है उसकी क्वालिटी उन्हें पसंद नहीं आती है तो बाहर से भी इंपोर्ट करेंगे, तो इससे भी इफेक्ट करता है। तीसरा हमारा गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शंस। गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शंस में जैसे हम कोटा होता है, टैरिफ होता है, या एक लिमिट फिक्स कर देती है गवर्नमेंट कि आप इस कंट्री को सिर्फ इतना सेल कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं, या दूसरी कंट्रीज पर लगा देती है कि आप हमारी कंट्री में हमारे टोटल कंजम्पशन का 10% या 20% इम्पोर्ट कर सकते हैं, तो ये भी चीज़ इफ़ेक्ट करती है। अगर कोई कंपनी है, हमारी गवर्नमेंट कह देती है कि आप अपने टोटल प्रोडक्शन का सिर्फ 50% बाहर एक्सपोर्ट कर सकते हो, अब बाहर वो सिर्फ 50% एक्सपोर्ट करेगी, 50% हमारी कंट्री यूज़ करेगी, तो 50% जितनी जो पेमेंट अब से आनी थी बाहर से, वो तो सिर्फ 50% वैल्यू की तो आएगी, क्योंकि 50% तो उसे हमारी इंडियन में बेचनी पड़ रही है या इंडिया में उसकी प्रोडक्शन बिकेगी। इसी तरह अगर इस तरह क्या होगा कि जो हमारा इम्पोर्ट है और एक्सपोर्ट है दोनों इफेक्ट होते हैं इस चीज़ से, गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शंस से। अब हमारी गवर्नमेंट लगा दे कि आप अगर हमारी कंट्री में आते हो, ट्रेड करते हो, तो आपको इतनी परसेंट ड्यूटी देनी पड़ेगी, 10% 20%, तो क्या होगा, उनके प्रोडक्ट्स महंगे हो जाएंगे, तो फिर हमारी कंट्री में आएंगे ही नहीं, अपने प्रोडक्ट्स का इम्पोर्ट ही नहीं करेंगे हमारी कंट्री में, तो इस तरह क्या होगा, हमारा इम्पोर्ट घटेगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा। लास्ट आता है हमारा एक्सचेंज रेट। अब एक्सचेंज रेट क्या होता है, जब हम अपनी करेंसी को किसी दूसरी करेंसी के रेशो में मेज़र करते हैं वैल्यू में, तो वो हमारा एक्सचेंज रेट होता है। अभी देखते हैं कि मान लीजिए इंडिया की करेंसी के हिसाब से अभी किसी दूसरी कंट्री की जो करेंसी है उसकी वैल्यू ज़्यादा है, तो वो हमारी कंट्री में काफ़ी इम्पोर्ट करेगा, क्योंकि उसे पता है उसे हमारी कंट्री से प्रॉफिट ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि हमारा एक रुपया या कह सकते हैं हमारी जो करेंसी की वैल्यू है उसकी कंट्री में बहुत ना के बराबर, लेकिन उसकी तो वैल्यू हमारी कंट्री में बहुत महंगी है। अगर अभी हम कह दें कि हमारी अपना जो एक्सचेंज रेट होता है बहुत ऊपर बढ़ा दें, तो दूसरे की वैल्यू तो डाउन चली जाएगी ना। जब दूसरी कंट्री की वैल्यू डाउन जाएगी तो हमारी कंट्री में क्यों बिजनेस करेगा, क्यों ट्रेड करेगा, क्यों इम्पोर्ट करेगा हम। अब दूसरा पॉइंट आता है हमारा कैपिटल अकाउंट। इसके अंदर हमारी सारी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ होती हैं, कि गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हमारी मॉनेटरी हो सकती हैं, फिस्कल हो सकती हैं, या कुछ भी जो गवर्नमेंट अपने इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट से रिलेटेड पॉलिसीज़ बनाती रहती है, कि आपका कई बार कह देती है कि आपको ये फैसिलिटी दी जाएगी, आपको डिस्काउंट दिया जाएगा, या आपको सिर्फ एक लिमिट में कर सकते हैं, तो वो सब आपका कैपिटल अकाउंट में आता है। मेथड टू करेक्ट इट। अब इसके कौन कौन से तरीके होते हैं जिससे हम बैलेंस ऑफ पेमेंट का डिसबैलेंस को ठीक कर सकते हैं। तो पहला मेथड होता है यूज़ ऑफ पास्ट रिजर्व। जब हम बिजनेस कर रहे हैं या ट्रेड कर रहे हैं तो हमारे पिछले सालों का कुछ ना कुछ रिजर्व हमारे पास होता है, तो हम उसे यूज़ कर सकते हैं। दूसरा है बोरोविंग फ्रॉम IMF। हम IMF से लोन ले सकते हैं। IMF मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। यह एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो देशों को
एक तरह से लोन दे सकता है, बिजनेस के लिए लोन देता है। तीसरा है हमारा मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी मेजर्स। हमने वही कहा कि हम अपनी कोटा को या टैरिफ को या लिमिट को घटा बढ़ा सकते हैं। चौथा हमारा एक्सचेंज रेट एडजस्टमेंट, हम अपनी करेंसी की जो वैल्यू है उसे ऊपर या नीचे करके अपने इस डिसबैलेंस को कम कर सकते हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा पूरा चैप्टर, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, इसे हम किस तरह ठीक करते हैं, इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नई वीडियो के साथ। गुड बाय फ्रेंड्स।